नागपुर जिले में मंगलवार को कोविड 19 का कहर बरपा। एक ही दिन में सर्वाधिक 977 नमूने पॉजिटिव आए हैं। 38 मरीजों की मौत हो गई। एक ही दिन में यह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके पूर्व जिले में 8 अगस्त को सर्वाधिक 659 मरीज संक्रमित मिले थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। सोमवार को उनके मस्तिष्क के सर्जरी की गई। सर्जरी से पहले उनमें कोविड 19 की भी पुष्टि हुई थी। लंबे इंतजार के बाद रूस ने दुनिया के पहले कोविड 19 वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ऐलान किया कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। वैक्सीन को रूसी रक्षा मंत्रालय और गमलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने तैयार किया। स्थानीय थाना अंतर्गत कातला बोड़ी के जंगल से युवक की अर्धजली लाश बरामद की गई है। वारदात मंगलवार की सुबह 10 बजे उजागर हुई। मृतक की उम्र 25 से 30 वर्ष है। उसकी अन्यत्र हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को जंगल में लाकर जलाने का प्रयास किया जाने की आशंका जताई जा रही है। शहर के गांधी सागर तालाब में मंगलवार को सैकड़ों मछलियां मृत पाई गई है। एक ही साथ इतनी मछलियों के मृत मिलने से इसके कारणों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय प्रवेश समिति ने कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण बुधवार से शुरू करने की घोषणा की है। इस चरण में विद्यार्थी ऑप्शन फॉर्म भर सकेंगे। यह चरण 22 अगस्त तक चलेगा। भाजपा पार्षद दयाशंकर तिवारी ने कहा कि निजी लैब व निजी अस्पतालों की मिलीभगत को लेकर सोशल मीडिया पर कई संदेश प्रसारित हो रहे पर उन पर विश्वास नहीं करने की अपील एक जनप्रतिनिधि के नाते करता रहा। लेकिन कन्नमवार नगर में 74 वर्षीय महिला की रिपोर्ट आने पर निजी लैब की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। इन दिनों शहर में पीली मार्बल की तैयारी अंतिम चरणों में है। तांडापेट के कलाकार फिनिशिंग वर्क में व्यस्त है। हर साल तानापोले के दिन बड़ी धूमधाम से उपराजधानी में मार्बल का जुलूस निकाला जाता है लेकिन इस साल कोविड 19 के चलते इसका कोई आसार नहीं है। नागपुर जिले में मंगलवार को कोविड 19 संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया। यह आंकड़ा पार करने में कुल 154 दिन लगे। मंगलवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 977 पॉजिटिव मिले और 38 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ इस संक्रमितों की कुल संख्या 10,361 हो गई जबकि मृतकों की संख्या 372 हुई है। एक ही दिन में संक्रमितों का यह अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। जगनाड़े चौक स्थित 7 स्टार हॉस्पिटल को मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने जोरदार झटका देते हुए नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नोटिस जारी किया है। मरीजों से वसूली की अतिरिक्त राशि लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा कोविड कॉल में नॉन कोविड मरीजों से अतिरिक्त शुल्क वसूली के मामले आज एक और नोटिस जारी किया गया है।